निश्चित है, फाइनेंस की सुविधा तो है। अरे यार, फाइनेंस के वजह से ही लोग, गरीब लोग या जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, आराम से टोटो को ले जाते हैं और अपना। मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ कम कर एकदम हो जाएगा। आने तो दीजिए, आने तो दीजिए, आइए। यहाँ पर कौन सी कंपनी की टोटो मिलेगी, बैटरी कौन सी लगी हुई है, एक चार्ज में कितने किलोमीटर चलेगी, इसमें वजन कितना, पैसेंजर कितना रहेगा, ठीक है, टायर कितना कौन सा है, एवं एक चार्ज, ये चार्ज लेने में बैटरी कितना समय लगेगा, एवं यहाँ नंबर के प्लेट देख रहे हैं तो यहाँ नंबर प्लेट, ये इंश्योरेंस करने में कितना खर्च लगेगा, यानी सारा इस टोटो का सारा इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और स्किप नहीं कीजिएगा। और यहाँ का जो इंटरप्राइजेस जो है ना, ओनर से आप बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, आप सारा लगी हुई जो ऑटो है सारा डिटेल्स जानकारी आपको। आइए दोस्तों, यहाँ का जो शोरूम जो ऑनर है उससे बातचीत करवाते हैं। आप लोग बहुत देर तक इंतजार कर रहे थे, अब वो करीब अब आ गए हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है सर, और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। हाँ, एड्रेस बता दीजिए। और ये जो है हाईवे है, बाईपास। और यहाँ पर भागलपुर से आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रेलवे स्टेशन से महज 10 से 15 मिनट का रास्ता है। कहीं हो जाएगा आपका शोरूम का नाम पहुँचा देगा। शोरूम का नाम भाड़ा कितना है, मेरा भाड़ा आराम से पहुँचा देगा। कोई भी भाड़ा कितना लेगा बता दीजिए। 10 से 12 रुपया देख लीजिएगा, ज्यादा भी नहीं लेगा। टोटो वाला को आप लोग बोलिएगा, ज्यादा बोलेगा तो सुनिए ना, मजा आएगा। तो स्टार्टिंग प्राइस कितना है इस टोटो का? स्टार्टिंग प्राइस है 1,65,000 रुपया। फाइनेंस की सुविधा रखते हैं? एकदम निश्चित है, फाइनेंस की सुविधा तो है। अरे यार, फाइनेंस के वजह से ही लोग, गरीब लोग या जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, आराम से टोटो को ले जाते हैं और अपना दोपहर की कमाई का अवसर। यानी टोटो एक साधारण लोग यहाँ से फाइनेंस की सुविधा, क्योंकि फाइनेंस के लिए मिनिमम मात्र 50,000 रुपया से स्टार्ट होकर के आराम से बैंक के हो जाता है। यानी 50,000 डाउन कीजिए, टोटो ले जाइए और बिजनेस में लगे रहिए, है ना? एकदम। तो पहला टोटो जो है, अच्छा इंश्योरेंस, ये नाम प्लेट जो लगता है उसका भी अलग से चार्ज है? उसी में सब चीज उसी में है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं है। टोटल उसी रेंज में है। 1,65,000 से लेकर के 1,81,000 रुपया तक का टोटो का रेंज है। मेरे सब्सक्राइबर आएंगे उनके लिए कुछ कम होगा? एकदम क्या सर, आप मजाक कर रहे हैं, एकदम जबरदस्त होगा। जबरदस्त कम तो होना ही है, सब्सक्राइबर यदि आएंगे तो निश्चित है यहाँ से कम होगा। देखिएगा बिहार वासियों, यानी भारत के किसी भी कोने से आप देख रहे हैं वीडियो, अगर आपका मन हो रहा है इस शोरूम में तो अवश्य आए। यहाँ पर मेरा चैनल का नाम बन रही है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आइए, इस इधर आइए सर जी, इस टोटो के बारे में सारा बताइए।
देखिए इस टोटो का नाम बता दीजिए, टोटो का टोटो कंपनी का नाम है मोरनी। मोरनी कंपनी है और ये मोरनी जो है समझिए कि मोर के तरह चमकने वाला है और इसका जो लाइट का व्यवस्था है ये डिजिटल है और बहुत ही जबरदस्त रोशनी के साथ रात में किसी भी प्रकार का ड्राइवर को परेशानी होने वाला नहीं है। दूसरी बात इसका जो स्टील बॉडी है और ये ग्लास लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। ये मिरर इतना खूबसूरत है कि पीछे किसी भी प्रकार का गाड़ी को ये आराम से कैप्चर कर सकता है। ये स्टील बॉडी भी है, फुल रूप से स्टील बॉडी है और स्टील बॉडी होने के वजह से कह सकते हैं कि आराम से ये बरसों तक किसी प्रकार का जंग वगैरह नहीं लगेगा। अच्छा ये टायर कौन सा लगा हुआ है? टायर जो लगा हुआ है ये और 3.75/12 का टायर बड़ा वाला टायर है। इससे क्या होगा कि लोग किसी भी छोटे मोटे गड्ढे में पार कर सकते हैं। अच्छा, लेने के बाद कोई खर्च तो नहीं ना है? कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, बस एक बार गाड़ी ले और सिर्फ बैटरी को देखते रहे, बैटरी में समय पे पानी चेंज करते रहे, गाड़ी चलते रहेगी। अच्छा, बैटरी के बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि बैटरी इसका जो लगता है वो ईस्टमैन कंपनी का लगता है। ईस्टमैन कंपनी का जो कि सर्वोच्च सर्वोच्च आता है सफर के लिए, बहुत जबरदस्त बैटरी। अच्छा, सफर के लिए बहुत जबरदस्त है। गारंटी क्या है? गारंटी क्या है? 1 साल का वारंटी में आता है ये बैटरी। बिल्कुल, यानी खराब होगा नया ले जाएगा कस्टमर। हाँ, खराब होगा इसका सर्विस सेंटर है भागलपुर में, हर जगह पूरे बिहार में हर जगह सर्विस सेंटर है इसका। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कितनी एक टोटो में कितनी बैटरी लगेगी? 4 बैटरी। चलिए, एक टोटो में 4 बैटरी लगेगा, 2 पीछे है, 2 बीच में है, यहाँ पर 2 बीच लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा। 4 बैटरी लगेगा, 140 एम्पियर का बैटरी। 140 एम्पियर। इसमें पैसेंजर कितना बैठ सकते हैं? पैसेंजर देखा जाए, यदि कुछ हेल्दी होंगे तो 2, 2, 4 और 2, 6 बैठेंगे और यदि जनरल होंगे तो 3, 3, 6 और 8 बैठेंगे। ओह माय गॉड, हेल्दी वाले एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर तो एक ड्राइवर के हैं, बस एक ड्राइवर फैसिलिटी क्या क्या है? लाइट है, डिजिटल मीटर है, इसमें पास का है जो भी होता है, लाइट का अप डाउन का ये हॉर्न है और ये साइडर है जहाँ हम साइड मतलब दाएं और बाएं करने के लिए और ये फ्रंट और पीछे करने के लिए और ये आगे जाने के लिए ये और आगे वाला ये ब्रेक है और ये पीछे वाला ब्रेक है। ओह माय गॉड, वो क्या है? ये जो है ये हमारा कहीं भी गाड़ी को लगाते हैं तो उसके लिए ये हैंड ब्रेक का काम। हैंड ब्रेक, यानी आपको ईट लगाने का जरूरत नहीं है कहीं भी रोकने के लिए। हैंड ब्रेक है ना। यानी ये कितना में क्लियर हो रहा है? ये 1,65,000 रुपया में पूरा क्लियर हो जा रहा है। मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ कम कर एकदम हो जाएगा। आने तो दीजिए। आइए, अगला चलते हैं, इसका तो बात खत्म ही हो गया है। अगला कौन सा कंपनी दिखाएंगे? अगला कंपनी ये दोनों सेम गाड़ी है, दोनों में क्या है, कलर ब्लू और रेड, ये कलर का डिफरेंट है। अच्छा, बाकी सारा फैसिलिटी सेम है। बाकी ये हमारे पास दूसरी कंपनी है, ये है एरो। एरो सेम है, लेकिन क्या है ये लोहा बॉडी गाड़ी। लोहा बॉडी का गाड़ी है और इसमें क्या है, इसमें भी वही सेम चीज लगेगा, बैटरी भी लगेगा 4। हाँ, 140 एम्पियर का बैटरी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक फैसिलिटी क्या है, ये डिजिटल मीटर है। इसमें डिजिटल मीटर है। हाँ, और मिरर जो लगा हुआ है डायरेक्ट हैंडल में हमारा मिरर है, यहाँ साइड में नहीं है, जो कि इस मोरनी में साइड में ज्यादा खूबसूरत दिखता है। ये देखिएगा, उसमें वृत्ताकार था, इसमें आयत बना हुआ है, आयताकार से लगा हुआ है। और इसमें पैसेंजर कितना बैठेंगे? सेम पैसेंजर 3, 3, 6 और 2 8 पैसेंजर, सेम पैसेंजर। पैसेंजर में कोई ड्राइवर को लेकर ना ड्राइवर लेकर के ना
इसमें इसका प्राइस क्या है, प्राइस के बारे में बताइए। प्राइस तो हम आपको बता चुके हैं, 1,65,000 से शुरू है। हाँ। 1,81,000 तक में आपको यहाँ पे वो तो बताए थे इसका मोनिका। हाँ। ये इसका भी वही प्राइस आता है, क्योंकि इसका जो मजबूती है। हाँ। लोहा वजन होने के बाद भी इसका मजबूती कुछ खास है, खास इसके वजह से ये खास है। तो यहाँ पर इसके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं? टायर भी कौन से कंपनी की लगी हुई है? सिएट का है। और ये सोकर के बारे में कुछ बताइए। सोकर बहुत किफायती है, बहुत जबरदस्त है। हाँ। सोकर एकदम बिल्कुल। अच्छा ये अच्छा है ना। और इस में देखा है तो म्यूजिक सिस्टम भी है। हाँ। म्यूजिक सिस्टम में क्या है फैसिलिटी? हाँ। इसमें हम ब्लूटूथ के माध्यम से, हाँ, मोबाइल चिप्स के माध्यम से, हाँ, या फिर मॉडेम के माध्यम से, यानी जो फैसिलिटी एक बाजा बजाने के लिए जरूरत है वो सारा चीज हम यहाँ पर इससे हम यानी सिस्टम कर सकते। इसमें मोरनी लेने से क्या होगा, पैसेंजर को आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, सफर का आनंद, सफर का आनंद, मजा लेते रहे। वाह वाह वाह। इसमें है लेकिन इसमें ये फैसिलिटी नहीं है? नहीं, ये इसमें नहीं फैसिलिटी। हाँ। इसमें एक्स्ट्रा लगाया जा सकता है, या कोई लगाया जा सकता है, चाहे ड्राइवर चाहे कि हम एक्स्ट्रा म्यूजिक सिस्टम लगाएंगे, एक्स्ट्रा लगा दिया। इसमें कुछ इसमें और इसमें कुछ अंतर और कुछ है? अंतर सिर्फ इतना है कि ये स्टील बॉडी है। हाँ। और ये लोहा बॉडी। अच्छा, लोहा बॉडी, बाकी तो सेम ही है, बाकी सब कुछ सेम है। सोकर का गारंटी वारंटी इसमें क्या, जिसके नाम पर होगा ये टोटो उसके नाम जिसके पर क्या? नाम से होगा टोटो उसका 15,00,000 रुपया का इंश्योरेंस भी देते हैं हम लोग। हाँ। और गाड़ी का 1 साल का इंश्योरेंस होता है। हाँ, बिल्कुल। मोटर का, कंट्रोलर का, कन्वर्टर का, ये तीनों का 1-1 साल का वारंटी गारंटी में रहता है। यानी कुछ भी हुआ का बात रहा। हाँ। चेचिस का हमारा 1.5 साल का गारंटी वारंटी में रहता है। 1.5 साल? हाँ, 1.5 साल, यानी 18 महीने। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो टोटो खरीदने आएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा? हाँ, डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए यहाँ पर जो है ना आधार कार्ड चाहिए, मस्ट है, बहुत जरूरी है। हाँ। पैन कार्ड चाहिए, बिल्कुल। 4 फोटो चाहिए, 4, याद रखिएगा, 4, भूलिएगा नहीं, 4, ध्यान है ना, 4। और बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और 4 फोटो चाहिए। हाँ। बस, और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना चाहिए, करना पड़ेगा उसको। हाँ। ताकि उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका तो डॉक्यूमेंट्स पे साइन तो चलेगा। अच्छा, पैसा लाएगा कि नहीं? हाँ, पैसा के लिए जो यदि जो कॉस्ट पड़ता है तो वो तो लाना जरूरी है, लाना या फिर बैंक से फाइनेंस करेगा तो 50,000 रुपया से शुरू होता है, लाना जरूरी है, बस जरूरी है। देखिए, सारा सुविधा है, कहाँ याद है ना, उधर देखिए लगी हुई है पोस्टर, वहीं पर आना है। एक बार नाम एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। अच्छा। और ये जो बाईपास है अमरपुर रोड। हाँ। अमरपुर रोड बाईपास के जस्ट बगल में ही हमारा शोरूम है, सिद्धि विनायक इंटरप्राइजेज। बिल्कुल, आइए, वेलकम है आप लोगों का। हाँ। भागलपुर स्टेशन पर पहुंचिए, भागलपुर स्टेशन से किसी को भी बोल दीजिए सिद्धि विनायक अमरपुर रोड जाना है बाईपास के पास, वो आपको पहुँचा देगा, 10 रुपया भाड़ा है। 10 रुपया, ये भी याद रखिएगा, है ना। और ये नंबर का कितना दिन में आ जाता है, वो जो लगी हुई नंबर जो है 3 से 4 दिन में आता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। हाँ। 3 से 4 दिन में, यानी 1,65,000 में सारा कंप्लीट करके आप रोड में उतर सकते हैं। यही सोच लीजिए भाई कि इतना कम समय में और इतना कम रुपये में सबसे अच्छा बिजनेस करने का एक अच्छा रोजगार, यही जरिया सारे लोगों के लिए। हाँ। बस, चाहे किसी भी कैटेगरी के लोग हो, आज इसको पसंद कर रहे हैं, इस पे बैठना पसंद करते हैं, इस पे जाना पसंद करते हैं, इस पे कहीं दूर सफर करना पसंद करते हैं, पिकनिक हो, पार्टी हो, हर चीज के लिए ये कैपेबल है। हर गली में, हर कूचे में, यहाँ इसका हर मोहल्ले में इसके ले जाया जा सकता है, क्योंकि बड़ी सवारियां नहीं जा सकती। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं, प्रदूषण नहीं हो। हाँ, बिल्कुल, प्रदूषण का कोई नाम ही नहीं है यहाँ, ना पेट्रोल का झंझट, ना पेट्रोल का झंझट। हाँ, एक चीज है, इसमें चार्ज करना पड़ेगा आपको बिजली से, और एक बार चार्ज कीजिए और चलाइए, आपको पेट्रोल से छुटकारा मिल सकता है ना। आप आराम से, यानी कम पूंजी वाले इससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल में आपका भी फिर से धन्यवाद करता हूँ, आप बहुत अच्छी जानकारी दे चुके हैं हमारे व्यूअर को, सब्सक्राइबर को। हाँ, मिलते हैं आपसे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे YouTube चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर एवं बिहार वासियों हैं, खास निवेदन है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इतना शेयर करो कि पूरा बिहार फैल जाए। और फिर मिलेंगे, और मेरे एक ऐसा सब्सक्राइबर थे बिहार के जो कमेंट कर रहे थे कि इस शोरूम का कब अगला पार्ट आने वाला है, तो आ गया है, आपका डिमांड, आपका भाई। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।
जय हिंद, जय भारत।